Hey everyone, what's up? It's me, the Beauty Law, and if you're watching me for the first time, don't forget to hit the subscribe button and make sure that you hit the bell icon so you never miss new videos. So right now, we are going to react on a short video by Royal Stag. Short movie ka naam hai Devi, Kajol, Royal Stag, Beryl, select last short film. और इसकी रिक्वेस्ट आई हुई थी मेरे चैनल पे काफी टाइम से और टू बी ऑनेस्ट कोई मान नहीं रहा था मेरे साथ देखने के लिए ये वीडियो। जिशान को बोला गया था ये सीरियस वीडियो है, मैं नहीं देखनी, मुझसे सीरियस चीजें नहीं देखी जाती, ये वो और कोई मान नहीं रहा था। सो आखिरी हल फिर मेरे पास, लास्ट ऑप्शन और सबसे सर्वाइवर, सर्वाइवल ऑप्शन मरियम ही थी जो कि मेरी इकलौती बहन है। सो देर ना करते हुए बढ़ते हैं वीडियो की जानिब। बाय द वे वीडियो का ट्रेलर तो है नहीं, वीडियो शॉर्ट है, तो लास्ट शॉर्ट फिल्म है। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाएं जाके सपोर्ट करें। अगर वीडियो नहीं देखी है तो वहां पे जाके पहले देख लें, या हमारे साथ देखना चाहते हैं तो जैसा आपको बेहतर लगता है करें। और ये वीडियो रिलीज की गई थी आई गेस वुमेंस डे के ऊपर, तो उस टाइप का कोई सीरियस टॉपिक होगा उम्मीद है, मेरा जिसमें मेरी मर्जी टाइप टॉपिक नहीं होंगे इसमें। सो देर ना करते हुए बढ़ते हैं वीडियो की जानिब। रॉयल स्टैग ये दारू का ब्रांड है, दारू का जितना मुझे लगता है। लार्ज शॉर्ट फिल्म्स कास्ट काफी बड़ी है इसकी। इतने लोग बैठे क्या कर रहे हैं इधर, एक जगह नहीं होते। इतने डिफरेंट तबके की औरतें एक जगह पे क्या कर रही हैं, ये सोचने वाली बात है। ऑल प्रोफेशंस की हैं। ऐसे केस के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसे सभी देशवासियों के संयम को तोड़ के रख दिया है। हालांकि ये केस केवल दो ही दिन पुराना है, लेकिन लोगों का गुस्सा आपकी तरह पूरे देश में फैलता जा रहा है। हम यहाँ इस वक्त इस केस के विक्टिम के घर के बाहर खड़े हैं, हमें अंदर जाने की परमिशन नहीं मिल पा रही। इस केस को लेकर देश की जनता कई महत्वपूर्ण सवाल खड़े कर रही है। पकड़े गए गुनहगारों को राजनेताओं का समर्थन क्यों मिल रहा था? आखिर इस तरह के गुनाह बार बार क्यों हो रहे हैं? साल दर साल सुरक्षा व्यवस्था में किसी तरीके का सुधार क्यों नहीं हो पा रहा है? पूरा देश इस वक्त अपनी, अभी तक तो कुछ समझ नहीं लग रही। Annoying. ओ भाई बंद करो, मुझे बड़ी इरिटेशन होती है इस चीज से। बस बस सुपर है, मुझे बड़ी अनोइंग चीज आती है इससे। टीवी बंद करो, बंद करो। अच्छा ठीक है, प्लीज सगळ्यांचा मूड ऑफ नका करू, इथे सगळे लोकच ऑफ आहेत, मूड तर ऑफ होणारच ना। ऐसी बेतुकी बातें करके क्या करता है आपको मौसी? ये इतनी औरतें कर क्या रही हैं? इट्स वे टू हॉट फॉर मी हियर। ऐसी खुली जांघों में आपको गर्मी लग रही है? मेरे बुरखे के अंदर तो कबाब पक रहे हैं। जी जी, आप जाकर देखो ना, इनका तो चलता ही रहेगा। चलता रहेगा कब तक? चलता रहेगा, एक ही तो ढंग का कमरा दिया है हमको।
अगर ये करूं मैंने कितनी लोग लगू से ना कितनी बार कहा है धूप पत्ती के बाद झगड़ा मत करो ना पर तू धूप कशाला लावते भाई इकड़े कोई देव नहीं केबल चेक करा गेल है तो मैं आप सबकी शांति के लिए शांति बनता है ना वो लड़की को अंदर नहीं आने देने का बस इधर सबकी आत्मा को शांति मिलेगा तो वो कहाँ जाएगी कहाँ जाएगी वो यहाँ एक सिस्टम की जरूरत है हर कोई यहाँ नहीं रह सकता वरना किसी को तो बाहर रुकना पड़ेगा ना पहली बार कोई अकल की बात की है इसने अच्छा मुझे लग रहा है ये इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा है हम क्यों जाए यहाँ की आबादी बढ़ती जा रही है आरजू जी टीवी से तो लग रहा है हर रोज कोई नया आएगा कितनों को बाहर बिठाएंगे सबको मुझे तो बोरिंग लग रही है हमारे क्या लगते हैं हम सब एक दूसरे के क्या लगते हैं पर ये इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा है हाँ किसी ने कुछ पूछा थोड़ी एक मूल को रिप्रेजेंट कर सबको यहाँ बकरियों की तरह ठूस दिया बस सब एक छत के नीचे रह रहे हैं इतनी सारी लड़कियां रखेंगे कहाँ सबको धर्मशाला नहीं खोल के रखी है प्लीज आप उसको अपना टेंशन मत बनाओ वो अपना खुद देखेंगे एग्जैक्टली ज्योति यू आर आल्सो अ विक्टिम दाले सुरु है सो इंग्लिश में मुझे इंग्लिश ही आती है आप लोग मराठी मीडियम हो तो इट्स नॉट माय प्रॉब्लम मैडम जी हम कभी स्कूल ही नहीं गए 12 साल में शादी करा दी इसलिए तो हम नीचे बैठे और आप कुर्सी में झूल रहे हो तो बैठो ना आओ बैठो इधर मैंने कब मना किया आप लोगों को बस भी करो बात बात कोई रुका है हम उन्हें क्या जवाब दे ये अंदर बाहर वालों का बंटवारा कैसे करे जिनके पापा भाई हस्बैंड ने किया हो वो इधर रह सकते हैं अपन सेफ है भाई सेफ है नॉट मी मेरे तो रास्ते के मवाली थे तो फिर उम्र से करते हैं जिसका भी 25 से कम का था वो अंदर बैठो और ना बाहर जाओ तेरे को मालूम था ना मेरा मर्द 50 का है बड़ू मेरी मरकटी 42 का था 55 और दो थे कुल मिला के 110 तो मैं क्या घर चली जाऊं ये मुझे लग रहा है रेप विक्टिम है तो इंडिया में बड़ा होता है ये या तो फिर जिस तरीके से हम ये भाई चीटी नहीं चलेगा तुझे तो जिंदा जला दिया था जिंदा जला दिया था जला डाला गला गला था। ये लोग मरी हुई है बॉटल से फिर हाईवे पे फेंक दिया पत्थर सर पे मारा उसको पत्थर से चूरे से मेरा हादसे से नहीं उसके बाद सदमे से हुआ था तो तू बाहर जा एक्सक्यूज मी मैडम इधर किसी को रोने का भी टाइम नहीं मिला था तुम्हारा तो सबसे आसान था दिखता ही चाहे बाहर जा मौसी छुरी नहीं चली खून नहीं बहा इसका मतलब ये नहीं मुझे दर्द कम हुआ था या तकलीफ कम हुई थी क्या बोल रहे हो आप यू आर सो मीन देखो रुला दिया ना मौसी Such a sometimes. ये भी इंग्लिश बोलती है और कम से कम मुंह पे गाली देती है तेरे भी ऐसा नहीं Just shut up. मावशी काय चाल रहा है तुमचं तुम्ही सर्वात मोठे आहात ना तुम्ही समजून घ्या ये तू कौन सी एक जब की पढ़ाई कर रही है जो तू कभी देने वाली नहीं है अब असली मुद्दे पे ध्यान दे आपका मुंह देखने से तो अच्छा है ना कि मैं मुर्दों की शक्ल मुंह देख लूं लक्ष्मी चल चलो उठा हम बाहर जाएंगे जाओ जाओ जाओ
नहीं जाएगा और जो आई है उसे भी कहीं भेज नहीं सकते। जितनी जगह है उसी में एडजस्ट कर लेंगे। वहां भी तो एडजस्ट ही कर रहे थे ना, यहां थोड़ी भीड़ में रहेंगे लेकिन उन हैवानों के साथ रहने से तो बेहतर है। ठीक है लेकिन मैं अपनी गद्दी शेयर नहीं करूंगी। बस ज्योति प्लीज को कह रहा हूं किसी ने कुछ उल्टा सीधा कहा तो मेरी एक हफ्ते के लिए रिमोट छुपा लेगी है ना। याद है हम जब आए थे तो कितने डरे हुए थे। छोटी बच्ची है नमस्ते बोलो सबको। भारत में हर 22 मिनट एक महिला का रेप होता है। 2018 में थॉमसन रॉयटर की स्टडी के मुताबिक महिला सुरक्षा के मामले में भारत सबसे ऊंचा देश है। कर दिया यार सैड रियलिटी नजर आने लग गया। इंडिया छोड़ो तो पाकिस्तान में भी ऐसे बहुत सारे पाकिस्तान में नहीं दुनिया की यही चीज है। और स्टार्टिंग में वीडियो थोड़ी सी स्लो थी लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब बिल्डअप हुआ ना वीडियो का तो मैं समझ गया था कि किस साइड में जा रही थी। बीच में एक जगह सेंटर में भी बड़ा जबरदस्त एक ग्रिप सीन आया था जिसमें बहुत ज्यादा इमोशनल कर दिया था और फिर एंडिंग में वो जो बच्ची की एंट्रेंस पे तो मैं रो पड़ा हूँ। तो यार ये बड़ा सेंसिटिव टॉपिक है ये और ये सैड रियलिटी है हमारी दुनिया में बस ऐसे ही है। और उन्होंने दिखाया है कि ये ना मरने के बाद की दुनिया मरने के बाद की जिंदगी दिखाई है उन्होंने औरतों की जो जहां पे मरी हुई है रेप विक्टिम्स। और तो वहां पे जगह कम हो रही है और वो लड़ रही है आपस में। तो यार इसकी इस तरह की वीडियो के ऊपर रिव्यू देने का तो कोई बनता नहीं सीन क्योंकि काफी हार्ट टचिंग वीडियो थी ये और काफी जबरदस्त इम्पैक्टफुल वीडियो थी। लेकिन जिन जो जानवर हैं वो जानवर ही रहेंगे जो इंसान है वो इंसान ही रहेंगे। बस यही मैं कहूँगा लास्ट वर्ड्स मेरे यही है वीडियो के लिए। सो इस पे बहुत लोगों के मैसेज आए हुए थे कि देवी मूवी देवी शॉर्ट फिल्म पे रिएक्ट कर दें तो रिएक्शन आ गया है देख लें एंजॉय करें। और मैं अपनी दूसरी वीडियो में भी बोलता रहता हूँ कि मैं काफ़ी इमोशनल बंदा हूँ मैं ज़रा जल्दी इमोशनल हो जाता हूँ
ऐसे ही है बस मेरा। अच्छी लगी है वीडियो, कास्ट बहुत बड़ी थी वीडियो की, सब अपनी अपनी फील्ड की अच्छी थी, यानी कि एक्ट्रेस थी, काजोल थी बीच में, कोइना मित्रा थी आई गेस, और वो एक और सीनियर एक्ट्रेस भी काफी अच्छी थी, और फिर वो एक वो है ना साउथ के एक्टर, उनकी बेटी थी एक, मुझे उनका नाम नहीं याद आ रहा, जिनकी मूवी थी लक लक आजमा, लक आजमा अपनी किस्मत की बाजी आजमा, ये उनकी फिल्म थी इमरान खान के साथ, तो मुझे उन... ये तो शायद मूवी थी लक, नहीं नहीं लक इमरान खान की और इनकी मूवी थी लक आजमा रहे होते हैं सारे अपना, तो वो भी काफ़ी अच्छी एक्ट्रेस हैं, बाकी पूरी कास्ट अच्छी थी और मैसेज बड़ा इम्पैक्टफुल था वीडियो का, और बस यही है। तुम कुछ कहना चाहोगे? नहीं, नो कमेंट्स, नो वर्ड्स, अल्लाह बस हिदायत दे ऐसे लोगों को। सो गाइज दैट्स इट फॉर नाउ, दिस इज आवर रिएक्शन ऑन Devi. If you like watching our reaction, please give us a big thumbs up. If you want to suggest us something or you have any question, please write that in the comment section below. You can also follow me on Facebook, Instagram, Snapchat, Twitter, TikTok, Likee. Basically, I'm everywhere. Simply search NABLSSZD and you will find me. You can also find her on PUBG. TW Mariam, one of the best Pakistani PUBG players. लेकिन फिर भी इसको कोई भाव नहीं देता इस मुल्क में. खैर इंजॉय करें, यहाँ पे चैनल के आइकन्स आ गए, यहाँ वीडियोस आ गई हैं, देखें और अच्छी बातें करो, अच्छी बातें फैलाओ, अच्छे रहो, क्योंकि ज़िंदगी एक दिन ख़त्म हो जानी है, तो अच्छी यादें छोड़ के जाओ। बाय, टेक केयर, पीस।